बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आए हैं DHA फेज 7 लाहौर, जहाँ विजिट करेंगे 10 मरला स्पेनिश डिज़ाइन में कंस्ट्रक्ट किए हुए घर का ओवरव्यू। घर की कंप्लीट डिटेल इंटीरियर एक्सटीरियर प्राइस वीडियो के अंदर ही शेयर की जाएगी, तो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। लोकेटेड इन वेरी प्राइम लोकेशन, मैकडोनल्ड और मार्केट के बिल्कुल करीब इस घर को कंस्ट्रक्ट किया गया। 150 फीट रोड के ऊपर इस घर को कंस्ट्रक्ट किया गया। बहुत ही प्राइम लोकेशन में ये घर है फेज 7 के। सबसे पहले इसके फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो सेंटर के अंदर आपको टेम्पर्ड ग्लास के साथ और रॉट आयरन के साथ आपको डिज़ाइनिंग मिल जाती है। राइट साइड के ऊपर आपको रॉट आयरन के साथ आपको डिज़ाइनिंग मिल जाती है। मोल्डिंग वर्क का आपको यूज़ मिल जाता है। रिमेनिंग के अंदर आपको ट्रैवल टैंक का भी यूज़ मिल जाता है। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड डिज़ाइनर हाउस, जिसका आज आपको विजिट करवाने जा रहा हूँ। ये इसका कार रैंप का एरिया, जो कि टोटली टाइल के साथ कवर किया गया। ये इसका आउटर लॉन, जहाँ पे खूबसूरत ग्लास और प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं। आउटर वॉल के अंदर भी रॉक वॉल और आपको ट्रैवल टैंक का यूज़ मिल जाता है। वॉल हैंगिंग लाइट्स का भी आपको यहाँ पे यूज़ मिल जाता है। ये इसका मेन गेट, जो खूबसूरत सॉलिड रॉट आयरन के साथ आपको डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ से आप फर्दर आगे आते हैं तो आपको कार गैराज का एरिया मिल जाता है, जहाँ पे इजीली दो से बड़ी गाड़ी खड़ी करने की आपको स्पेस अवेलेबल मिल जाती है। फ्रंट वॉल की बात करें गैराज की, तो ट्रैवल टैंक का यूज़ मिल जाता है आपको। ऊपर खूबसूरत गैराज के अंदर आपको सीलिंग डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर आपको इसका इंटरनल लॉन का एरिया मिल जाता है, जहाँ पे खूबसूरत ग्रास और प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं। टू साइड इसकी ओपन गैलरी एरिया एज़ पर DHA लॉ। बैक साइड पे बेसमेंट के अंदर आपको इसका सर्वेंट क्वार्टर भी मिल जाता है। लेफ्ट साइड की वॉल की बात करें तो वहाँ पर आपको टाइल वर्क और सिंथेटिक ग्रास के साथ आउटर वॉल डिज़ाइन मिल जाती है। सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें, सिक्योरिटी फीचर्स के अंदर आपको CCTV कैमराज, फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर भी आपको यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेंगे। राइट साइड की गैराज की वॉल की बात करें तो वहाँ पे आपको मोज़ेक के साथ आयते क्रीमर डिज़ाइन मिल जाती है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की मेन एंट्रेंस आपको यहाँ से दी गई खूबसूरत रॉट आयरन के साथ आपको यहाँ पे आपको इसका मेन डोर मिल जाता है। स्टेप्स की बात करें, स्टेप के ऊपर आपको ग्रेनाइट का यूज़ मिल जाता है। यहाँ से आप एंटर होते हैं लॉबी एरिया। ऊपर आपको इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, जिसमें आपको एक खूबसूरत शैंडलियर इंस्टॉल मिलता है। खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन के अंदर आपको स्पॉटलाइट का भी यूज़ मिल जाता है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको इसकी फर्स्ट फ्लोर के लिए आपको यहाँ पे स्टेयर्स दी गई हैं। इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे आपको इसका पाउडर रूम एरिया डिज़ाइन मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर फ्रंट एलिवेशन वाली साइड के ऊपर आपको इसका ड्राइंग रूम और डाइनिंग का एरिया मिल जाता है। ड्राइंग रूम और डाइनिंग से इसका ओवरव्यू शुरू करते हैं। यहाँ से इसकी एंट्रेंस दी गई खूबसूरत, आपको यहाँ पर ग्लास और वुड का डोर मिल जाता है। रूम में एंटर होते हैं, यहाँ पे आप ड्राइंग रूम में फ्लोर की बात करें तो फ्लोर पे आपको वुडन फ्लोरिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट एलिवेशन वाली साइड के ऊपर आपको इसकी एल्युमिनियम और ग्लास की आपको यहाँ पे विंडो अवेलेबल मिल जाती है, जो कि एल्युमिनियम के साथ डिज़ाइन की गई है। रिमेनिंग वॉल के अंदर आपको मोल्डिंग वर्क और वाल पेपर का यूज़ मिल जाता है। ये आपको इसका कम्प्लीट ओवरव्यू करवा दूँ। उसके बाद ऊपर आपको इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, उसका ओवरव्यू करवा दूँ, जिसमें आपको स्पॉटलाइट, ड्रॉप लाइट, फैन और खूबसूरत शैंडलियर आपको इंस्टॉल मिल जाते हैं। वॉल्स के अंदर आपको खूबसूरत इसकी वॉल हैंगिंग लाइट्स का यूज़ मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसका इन्वर्टर भी इंस्टॉल मिलता है। फर्दर आप आगे आते हैं, आपको करीब से भी इसका ओवरव्यू करवा दें ड्राइंग रूम और डाइनिंग का। यहाँ से भी आप इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन चेक कर लें, जहाँ पर आपको ड्रॉप लाइट और स्पॉटलाइट का यूज़ मिलता है। ये था इसका व्यूवर्स, इसका ड्राइंग और डाइनिंग। उसके बाद चलते हैं इसका पाउडर रूम की तरफ। पाउडर रूम में जाने से पहले आपको इसके फ्लोर पे चेक करवाता जो मैट लाइट ब्राउन कलर की टाइल का यहाँ पे यूज़ मिल जाता है आपको। उसके बाद चलते हैं इसके पाउडर रूम की तरफ। पाउडर रूम में एंटर होते हैं तो राइट साइड के ऊपर आपको इसकी कस्टमाइज वेंटी ओवल शेप में मिल जाती है। ऊपर इसका ओवल शेप में ही इसका LED मिरर इंस्टॉल किया गया। वॉल हैंगिंग कमोड का आपको यहाँ पर यूज़ मिल जाता है। टोटली इसको टाइल के साथ, खूबसूरत टाइल वर्क के साथ इसको कवर किया गया है। एक्सेसरीज में आपको यहाँ पे ग्रोही की आपको एक्सेसरीज इंस्टॉल मिलती हैं। उसके बाद बाकी अकोमोडेशन आपको यहाँ से दी गई है, TV लाउंज की तरफ, किचन की तरफ और बेड की तरफ। 4 बेड्स के ऊपर इस घर को कंस्ट्रक्ट किया गया है। 1 बेड आपको इसका ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाता है, 3 बेड्स आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाते हैं। ये इसका खूबसूरत इसका TV लाउंज एरिया। फ्लोर के ऊपर आपको खूबसूरत इम्पोर्टेड टाइल का आपको यूज़ मिल जाता है। यहाँ पे इसकी इसकी साइड पे आपको इसकी मल्टीमीडिया वॉल डिज़ाइन मिल जाती है।
वॉल्स के अंदर आपको खूबसूरत वॉलपेपर और मोल्डिंग वर्क देखने को मिल जाता है। इन्वर्टर आपको इस पूरे घर के अंदर इंस्टॉल मिलेंगे। वॉल हैंगिंग लाइट का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ऊपर आपको इसका सीलिंग डिज़ाइन उसका ओवरव्यू करवा दें। खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन जिसके अंदर आपको फ़ैन इंस्टॉल मिलते हैं, खूबसूरत शैंडेलियर इंस्टॉल मिलता है, रोब लाइट और स्पॉट लाइट का आपको यहाँ पे यूज़ मिल जाता है। इसके बाद चलते हैं इसके ब्रांडेड किचन की तरफ जो कि ग्राउंड फ्लोर पे दिया गया है। किचन में एंटर होते हैं तो इसका यहाँ से आपको कंप्लीट ओवरव्यू करवा दूँ। खूबसूरत इसका किचन डिज़ाइन मिल जाता है। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको इसका स्टार्टिंग के अंदर आपको इसका माइक्रोवेव ओवन बेकिंग ओवन इंस्टॉल मिलता है। इसके साथ ही बड़े साइज़ की आपको टू डोर डॉलर्स की रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल मिल जाती है। गैलरी एरिया से आपको यहाँ पे सेपरेट एंट्रेंस भी दी गई है। खूबसूरत आपको यहाँ पे सॉलिड वुड के कबर्ड्स आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिलते हैं। वेंटिलेशन के लिए आपको सनलाइट के लिए आपको यहाँ पे विंडो भी दी गई है। वॉश बेसिन आपको मिल जाता है। इसके बिल्कुल साथ ही आपको इसका फायर बर्नर इंस्टॉल मिलता है। ऊपर इसका स्मार्ट रेंजवुड आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिल जाता है। स्लैब्स की बात करें तो स्लैब के ऊपर आपको ग्रेनाइट का यूज़ मिल जाता है। इसके बाद चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे बेड की अकोमोडेशन जो दी गई है उसका ओवरव्यू करते हैं। यहाँ से आप बेड में एंटर होते तो फ्लोर के ऊपर आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है। वॉल्स की बात करें तो वॉल के ऊपर आपको गेन मोल्डिंग वर्क और वॉलपेपर के साथ खूबसूरत इसकी वॉल डिज़ाइन मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको इसकी खूबसूरत सनलाइट के लिए विंडो भी दी गई है, वेंटिलेशन के लिए जो कि एलुमिनियम और ग्लास के साथ डिज़ाइन की गई है। ऊपर आपको उसका सीलिंग डिज़ाइन कवर भी करवा दें। खूबसूरत स्पेनिश डिज़ाइन में इसका सीलिंग डिज़ाइन जिसमें आपको फनूस इंस्टॉल मिल जाते हैं, दो फैन इंस्टॉल मिल जाते हैं, रोब लाइट और स्पॉट लाइट का यूज़ मिल जाता है। अगेन इस रूम के अंदर भी आपको इसका इन्वर्टर भी इंस्टॉल मिलता है। इस पूरे घर के अंदर आपको इन्वर्टर इंस्टॉल मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी कस्टमाइज वेंटी इंस्टॉल मिल जाती है। खूबसूरत इसकी ओवल शेप में कस्टमाइज वेंटी, ऊपर इसका एलईडी मिरर इंस्टॉल किया गया है। शावर कैबिन एरिया जो कि सेपरेट किया गया टेम्पर्ड ग्लास के साथ। वॉल हैंगिंग कमोड का यहाँ पे यूज़ मिलता है आपको। वॉशरूम के अंदर ही आपको इसकी अगेन वार्डरोब डिज़ाइन मिल जाती है खूबसूरत मर्करी ग्लास के साथ। खूबसूरत टाइल वर्क आपको मिल जाता है। यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर की स्पेनिश टाइल यहाँ पे यूज़ की गई हैं। एक्सेसरीज की बात करें तो यहाँ पे अगेन इम्पोर्टेड एक्सेसरीज आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिलेंगी। जी तो व्यूवर्स ये था इसके अटैच वॉशरूम फर्स्ट फ्लोर का ओवरव्यू। इसके बाद चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। आपको फ्लोर प्लान गाइड करता हूँ इसका। यहाँ से मेन एंट्रेंस दी गई है घर को। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पर स्टेज मिल जाती हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे इसका पाउडर रूम एरिया डिज़ाइन मिलता है। राइट साइड के ऊपर इसका ड्राइंग और डाइनिंग का आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। फर्दर आप आगे आते हैं तो टीवी लॉन्ज आपको मिलता है। उसके बिल्कुल साथ ही आपको लेफ्ट साइड के ऊपर आपको इसका ब्रांडेड किचन डिज़ाइन मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी बेड फर्स्ट की अकोमोडेशन मिल जाती है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स की बात करें तो स्टेयर्स के ऊपर आपको ग्रेनाइट का यूज़ मिल जाता है। रीलिंग की बात करें तो रॉट आयरन के साथ इसकी खूबसूरत रीलिंग डिज़ाइन मिल जाती है। स्टेयर्स की लेफ्ट साइड की वॉल के ऊपर खूबसूरत वॉलपेपर के साथ इसको वॉल को कवर किया गया है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमें थ्री बेड्स की अकोमोडेशन मिलती है, उसका ओवरव्यू करते हैं। यहाँ से आप एंटर होते हैं तो फ्रंट एलिवेशन वाली साइड के ऊपर आपको इसका बेड फर्स्ट दिया गया है। स्टेयर्स के बिल्कुल साथ ही आपको ओपन टेरेस एरिया डिज़ाइन मिल जाता है। आपको इसका ओपन टेरेस एरिया उसका यहाँ से ओवरव्यू करवा दूँ। खूबसूरत इसका ओपन टेरेस एरिया। वॉल्स के ऊपर आपको ट्रेवल टाइंग का यूज़ मिल जाता है। फ्लोर के ऊपर आपको टोटली टाइल वर्क मिल जाता है। खूबसूरत इसका ओपन टेरेस एरिया डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद चलते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन वाली साइड पर, जिस बेड की अकोमोडेशन दी गई उसका ओवरव्यू करते हैं। या आपको इसका कंप्लीट ओवरव्यू करवा दूँ यहाँ से। फ्लोर की बात करें तो फ्लोर के ऊपर आपको गेन इम्पोर्टेड टाइल खूबसूरत टाइल वर्क देखने को मिल जाता है। फ्रंट एलिवेशन वाली साइड के ऊपर आपको यहाँ पे वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए विंडो मिल जाती है। वॉल्स के अंदर आपको वॉलपेपर और मोल्डिंग वर्क देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन जिसके अंदर आपको फ़ैन इंस्टॉल मिलता है, स्पॉट लाइट का यूज़ मिल जाता है आपको।
टेरेस एरिया से आपको यहाँ से भी एंट्रेंस दी गई है, इसके ऊपर आपको इसका इन्वर्टर इंस्टॉल मिल जाता है। अगेन इस रूम में भी आपको इन्वर्टर इंस्टॉल मिलता है। उसके बाद चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। अटैच वॉशरूम में एंटर होते हैं तो खूबसूरत इसकी कस्टमाइज वेंटी इंस्टॉल मिलती है। ऊपर इसका मिरर इंस्टॉल किया गया, वॉल हैंगिंग कमोड का यहाँ पे यूज़ किया गया। यहाँ पे आपको शावर एरिया मिल जाता है खूबसूरत, अगेन खूबसूरत स्पेनिश स्टाइल का आपको यहाँ पे यूज़ मिलता है। एक्सेसरीज की बात करें तो यहाँ पे अगेन ग्रोही की आपको एक्सेसरीज इंस्टॉल मिलती हैं। वॉशरूम के अंदर ही इसकी वार्डरोब डिज़ाइन की गई है, उसका भी ओवरव्यू करवा दूँ आपको, खोल के भी ओवरव्यू करवा रहा हूँ। खूबसूरत इसकी वार्डरोब डिज़ाइन जो कि रूफ से लेकर फ्लोर तक टोटली इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। उसके बाद चलते हैं व्यूवर्स बाकी अकोमोडेशन की तरफ, उसका ओवरव्यू करते हैं। यहाँ से आप आगे आते हैं तो इस साइड पे आपको इसका टीवी लॉन्च मिल जाता है, बेड सेकंड की अकोमोडेशन यहाँ पे दी गई है और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे आपको बेड थर्ड की अकोमोडेशन मिल जाती है। सबसे पहले हम इसके टीवी लॉन्च का ओवरव्यू करते हैं। बड़े साइज़ का यहाँ पर टीवी लॉन्च दिया गया आपको। फ्लोर के ऊपर अगेन इंपॉर्टेंट टाइल, सेम पैटर्न की टाइल का यूज़ मिल जाता है आपको। राइट साइड के ऊपर आपको ओपन टेरेस एरिया की एंट्रेंस भी दी गई है, बड़े साइज़ की वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है आपको। यहाँ से आपको टेरेस एरिया में भी एंटर होके इसका ओवरव्यू करवा दूँ। खूबसूरत वॉल्स के ऊपर आपको इसका ट्रैवल टाइम का यूज़ मिल जाता है, ये इसका खूबसूरत ओपन टेरेस एरिया। टीवी लॉन्च की वॉल्स की बात करें तो आपको मोल्डिंग वर्क और वॉलपेपर का यूज़ मिल जाता है, वॉल हैंगिंग लाइट्स का यूज़ मिल जाता है। गेम यहाँ पे आपको इसका इन्वर्टर इंस्टॉल मिलता है। ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे अगेन खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जिसमें एक फनूस इंस्टॉल किया गया, राइट और लेफ्ट साइड पर दो फैन इंस्टॉल मिल जाते हैं, रोब लाइट और स्पॉट लाइट का यूज़ मिल जाता है। उसके बाद फर्दर चलते हैं इसके बेड सेकंड की तरफ। बेड सेकंड में एंटर होते हैं तो फ्लोर की बात करें तो गेन यहाँ पे सेम पैटर्न के टाइल का यूज़ मिल जाता है आपको। इन्वर्टर आपको गेन यहाँ पे इंस्टॉल मिलता है। ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन खूबसूरत, जिसमें आपको फ़ैन और स्पॉटलाइट रॉब लाइट का यूज़ मिलता है। वॉल्स के ऊपर अगेन मोल्डिंग वर्क और वॉलपेपर के साथ आपको इसकी वॉल डिज़ाइनिंग मिल जाती है, वॉल हैंगिंग लाइट्स का आपको यहाँ पर यूज़ मिल जाता है। वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए आपको यहाँ पर एक विंडो भी दी गई है। उसके बाद चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में आपको इसकी कस्टमाइज वेंटी इंस्टॉल मिलती है, ऊपर इसका एलईडी मिरर इंस्टॉल मिलता है, वॉल हैंगिंग कमोड का यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसका शावर कैबिन एरिया खूबसूरत आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर टाइल वर्क आपको देखने को मिलता है, स्पेनिश टाइल इटालियन टाइल्स का आपको यहाँ पे मोस्टली हर वॉशरूम में आपको यहाँ पे ज़्यादा यूज़ मिलेगा। एसेसरीज अगेन यहाँ पे आपको ग्रोही की एसेसरीज इंस्टॉल मिलती हैं। उसके बाद चलते हैं व्यूअर्स इसके थर्ड और लास्ट बेड की तरफ, उसका और भी कर लेते हैं फिर वीडियो को हम एंड करेंगे। यहाँ से आप एंटर होते हैं थर्ड बेड की तरफ। खूबसूरत इसका सॉलिड वुड का डोर, फ्लोर के ऊपर अगेन सेम पैटर्न के टाइल का यूज़ मिल जाता है। फ्यूचर्ड वॉल वॉलपेपर के साथ कवर की गई है। ऑपोजिट साइड की वॉल्स को वॉलपेपर और मोल्डिंग वर्क के साथ इसको कवर किया गया है। अगेन यहाँ पर आपको इसका इन्वर्टर इंस्टॉल मिलता है। सीलिंग की बात करें तो अगेन खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन, जिसमें फ़ैन और स्पॉटलाइट का यूज़ मिल जाता है। रूम के अंदर ही बड़े साइज़ की वार्डरोब डिज़ाइन की गई है, खूबसूरत इसकी वुड के साथ इसकी वार्डरोब डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। ये आपको अंदर से चेक करवा दूँ खोल के, बड़े साइज़ की आपको वार्डरोब डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। उसके बाद चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में एंटर होते हैं तो कस्टमाइज वेंटी इंस्टॉल मिलती है आपको। ऊपर इसका एलईडी मिरर, वॉल हैंगिंग कमोड का आपको यहाँ पे यूज़ मिल जाता है, शावर कैबिन एरिया। इस वॉशरूम को टोटली स्पेनिश स्टाइल के साथ कवर किया गया। एक्सेसरी की बात करें तो अगेन यहाँ पे ग्रोही की आपको इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिलती हैं। जी तो व्यूवर्स, ये 10 मरला ब्रांड न्यू हाउस स्पेनिश डिज़ाइन में कंस्ट्रक्ट किए हुए घर का ओवरव्यू आज हमने देख किया। घर माशाल्लाह से खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है। प्राइस की बात करें तो 5,85,00,000 इसकी आस्किंग प्राइस है, जो कि नेगोशिएबल है। मज़ीद आप डी एच ए लाहौर के किसी भी फेज़ में 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल या 2 कनाल के घर या प्लॉट बाई या सेल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए सेल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो हमारी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल फैसल प्रॉपर्टी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।